फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डेटा टाइप को देखा था। आज हम देखेंगे जावा का इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। अब यहाँ एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने इनपुट किया है रेट और क्वांटिटी को, और फिर डिस्प्ले किया है अमाउंट जो है रेट इनटू क्वांटिटी। जावा में डॉस प्रॉम्प्ट पे डेटा एक्सेप्ट करने के लिए हमें यूज़ करना होता है स्कैनर क्लास, जो स्टोर है java.util पैकेज में। इसलिए हमने इंपोर्ट किया है java.util। अगर आप इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ जावा वीडियो देख लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है। हमने स्कैनर क्लास का नेक्स्ट इंट मेथड यूज़ किया है, जिससे हम क्वांटिटी और रेट के लिए इनपुट ले रहे हैं। हमने अमाउंट वेरिएबल में क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लिकेशन स्टोर किया है और उसे डिस्प्ले किया है। इस प्रोग्राम में हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, जो है 8% ऑफ द अमाउंट। लेकिन ये डिस्काउंट अगर अमाउंट 5000 से ऊपर है तो ही मिलेगा, यानी कि डिस्काउंट कैलकुलेट होना कंडीशनल है, और कंडीशन के लिए हमें यूज़ करना होगा इफ ब्लॉक। तो इफ ब्लॉक का सिंटैक्स है, यहाँ हमने इफ के आगे राउंड ब्रैकेट में कंडीशन लिखा है। इस कंडीशन का रिजल्ट हमेशा बुलियन इवैल्यूएट होना चाहिए, जैसे कि इफ के ब्रैकेट में अगर ट्रू लिखे या फिर इफ के ब्रैकेट में अगर फॉल्स लिखे तो ये करेक्ट है। लेकिन इफ के ब्रैकेट में अगर हम वन लिखते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि सी प्रोग्राम की तरह वन को ट्रू कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर हम a इज इक्वल टू 10 अगर कंडीशन के जगह लिखते हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है और यहाँ हम सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर ही यूज कर सकते हैं जो बुलियन रिजल्ट देंगे। इसलिए हम इफ के ब्रैकेट में रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करेंगे, जो है डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, लेस देन या ग्रेटर देन। लेकिन अगर हम लिखेंगे बुलियन स्टेट इक्वल टू ट्रू और उसके आगे हम लिखते हैं कंडीशन के लिए स्टेट इक्वल टू ट्रू, तो ये करेक्ट है, क्योंकि स्टेट वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन हो रहा है वो है बुलियन टाइप वैल्यू। इसलिए इफ कंडीशन के लिए वैल्यू होगा बुलियन। इफ में ब्लॉक लिखना कंपलसरी नहीं होता। अगर हम ब्लॉक नहीं लिखेंगे तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही ब्लॉक में कंसिडर किया जाएगा, जैसे कि ये कोड। लेकिन अगर हम ये कोड लिखते हैं तो गलत है, क्योंकि अगर हम इफ विदाउट ब्लॉक लिखेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं हो सकता। इसे लिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस लिखना जरूरी है। कंडीशन के लिए अगर हम एक से ज्यादा कंडीशन यूज करना चाहते हैं तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर। अगर इस कंडीशन का रिजल्ट ट्रू इवैल्यूएट होता है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये कंडीशन का रिजल्ट अगर फॉल्स आएगा तो उसके आगे जो एल्स इफ ब्लॉक लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर इस कंडीशन का रिजल्ट भी फॉल्स आता है तो उसके आगे जो एल्स इफ लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से हम जितने चाहे उतने एल्स इफ लिख सकते हैं। अब अगर कोई भी इफ कंडीशन का रिजल्ट या एल्स इफ कंडीशन का रिजल्ट ट्रू नहीं आता तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ हमें इस बात को नोट कर लेना है कि एल्स इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक दोनों ही ऑप्शनल है। अब इसे प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस के साथ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द शॉप ऑफर्स 2% डिस्काउंट ऑन परचेस अमाउंट ग्रेटर देन 5000। एक्सेप्ट परचेस अमाउंट एंड डिस्प्ले पेएबल अमाउंट। इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हमने कोड लिखा है। यहाँ इस कोड में परचेस अमाउंट एक्सेप्ट करने के लिए हमने स्कैनर क्लास का नेक्स्ट लॉन्ग मेथड यूज किया है, क्योंकि इसका डेटा टाइप लॉन्ग है। अब यहाँ डिस्काउंट कैलकुलेशन जो है वो कंडीशनल है, इसलिए हमें यूज करना है इफ, जिसका कंडीशन है परचेस अमाउंट ग्रेटर देन 5000।
अब जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने परचेस अमाउंट एंटर किया 6500। तो कंडीशन परचेस अमाउंट ग्रेटर देन 5000 का रिजल्ट आएगा ट्रू, और इसलिए इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जो डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा। अब हमने परचेस अमाउंट एंटर किया है 4500, जो इफ कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स इवेल्युएट करेगा, और इसलिए एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जो डिस्काउंट का वैल्यू देगा जीरो। लेकिन जैसे कि हमें पता है, एल्स इफ और एल्स ये दोनों ही ब्लॉक ऑप्शनल होते हैं, तो क्या यहाँ एल्स ब्लॉक अवॉइड कर सकते हैं? यानी कि अगर हम यहाँ एल्स ब्लॉक नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आउटपुट पे हमें एरर आ रहा है, वेरिएबल डिस्काउंट माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, क्योंकि जावा में लोकल वेरिएबल्स को डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम डिस्काउंट वेरिएबल को वैल्यू जीरो असाइन करेंगे। इसका मतलब है कि अगर इफ का कंडीशन ट्रू रिजल्ट नहीं देता है तो डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं होगा, यानी कि डिस्काउंट का वैल्यू जो जीरो है वो चेंज नहीं होगा, यानी जीरो ही रहेगा।